तो फाइनली यार आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी है तो भी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को YouTube इनेबल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शॉर्ट क्लिप जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली दिखाया है कि आपके चैनल की मोनेटाइजेशन इनेबल हो सकती है अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। 50 लाइक्स का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, तो उम्मीद है आप कंप्लीट कर दोगे। और 15,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए YouTube से रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रूफ के तौर पर सबसे पहले एक आप शॉर्ट क्लिप देख लीजिए, यहाँ पर इनके चैनल की जो मोनेटाइजेशन है इनेबल की गई है और इनके चैनल को एक ईमेल आया था इनके ईमेल एड्रेस पे। तो सबसे पहले मैं वो शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको स्ट्राइक वाली भी शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा। कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट कर लिया गया है और आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर उसकी तरफ से जो मिला था वो अभी आ चुका है। तो फाइनली यार आपने इनके चैनल पे देखा कि इनके चैनल की मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई है, इनको एक ईमेल आ चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि क्या इनके चैनल पे सच में कॉपीराइट स्ट्राइक थी जो इनके चैनल की मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई। तो यहाँ पर आपको मैं एक और शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ और उस क्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि इनके चैनल की मोनेटाइजेशन सच में इनेबल हुई है कॉपीराइट स्ट्राइक होने पर भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउजर में भी जाकर कि अभी मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मोनेटाइज अभी इनेबल हो चुका है और मेरा चैनल में अभी कॉपीराइट स्ट्राइक भी लगा हुआ है, तब भी मेरा मोनेटाइज अभी इनेबल हो चुका है। फाइनली यार आपने देखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक होने पर भी यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन इनेबल कर दे रहा है यूट्यूब। तो यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी यूट्यूबर को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जिनके चैनल पर स्ट्राइक है और जिनके चैनल की मोनेटाइजेशन अभी अंडर रिव्यू में है। दोस्तों अगर आपके चैनल पे भी स्ट्राइक है तो आप निराश मत होइए, थोड़ा सा भी सैड मत होइए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक होने पर भी चैनल की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया जा रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी टिप चाहिए कि अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में है या आपको रीअप्लाई का ऑप्शन मिला है तो उससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसमें मैंने बताया कि आप ये चीज़ें अपने चैनल पर अगर सुधार लेते हैं तो हो सकता है आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया जाए। जब आप अपने चैनल पर कम से कम गलतियाँ रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी से इनेबल हो जाए, क्योंकि रिव्यू करने में उसे कम टाइम लगेगा और सिंपली जो सामने वाला एम्प्लॉई है, यूट्यूब एम्प्लॉई है, उसको भी समझ में आएगा तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी से इनेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपको इसी तरह YouTube से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल बटन को जरूर से प्रेस करिएगा। मिलते हैं एक न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's